तो देखो भाई साहब, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस कोरियन सीरीज में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपसे कफ सिमरी एक नई वीडियो में। तो देखो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कोरियन वेब सीरीज या फिर आप कह सकते हो एक कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कायरोज। बेसिक इनफो की बात करें तो इस कोरियन वेब सीरीज को देखने के लिए आपको इसके टोटल 16 एपिसोड देखने पड़ेंगे और जो एपिसोड की लेंथ है वो एक एक घंटे का अनुरोध रख करके प्रेजेंट की गई है। अभी इसका टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है जहां पर इसके जो टोटल 3 एपिसोड हैं उनको हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया गया है। बाकी आगे के जो एपिसोड है वो आपको वीकली देखने को मिलते हैं। लेकिन यहीं पर बता देता हूं कि इसकी जो हिंदी डबिंग वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसके जो 2 एपिसोड मैंने हिंदी डब में देखे हैं, फिर उसके बाद मैंने इसके जो रिमेनिंग एपिसोड थे उनको ऑनलाइन देखा है। सो देखो अब इस सीरीज को मैंने पूरी तरीके से देख करके खत्म कर दिया है। तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपको ऑफर क्या करती है और इस पर आपका टाइम देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आज की इस वीडियो में जा टाइम तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं। अब अगर बात की इस ड्रामा की बेसिक प्लॉट की, इसको बिना स्पॉइल किए तो देखो इसकी जो कहानी वो फॉलो करती है किम सियो जिन के कैरेक्टर को, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ-साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करता है, मगर जो उसकी लाइफ वो पूरी तरीके से अप एंड डाउन तब हो जाती है जब उसकी बेटी डाबिन मिसिंग हो जाती है। दूसरी तरफ जो कहानी वो फॉलो करती है हान आरे के कैरेक्टर को, जो कि अपने बीमार माँ की सेवा करती है और किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी को चलाती है, बट उसकी भी लाइफ पूरी तरीके से अप एंड डाउन तब हो जाती है जब उसकी बीमार माँ भी गायब हो जाती है। फिर इस ड्रामा में कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं इन दोनों की लाइफ की वजह से, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है एक फोन के थ्रू 1 महीने आगे पीछे टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर कनेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो भी आपको मिस्ट्री सस्पेंस ट्विस्ट टर्न देखने को मिलते हैं उन्हीं साइड को जानने के लिए आपको इस ड्रामा को अंत तक देखना पड़ेगा। अब अगर मुझे इस ड्रामा को यहीं पर आपके लिए 3 वर्ड में डिफाइन करना होगा तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, शानदार, जबरदस्त, खतरनाक। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं प्रेजेंट करता है, बल्कि इस कहानी में जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं डायरेक्टर ने उसको काफी बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से आप इसके एपिसोड 1 के एंडिंग तक इसके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हो। डेफिनेटली एक नॉर्मल ऑडियंस को इस ड्रामा की जो प्रेजेंटेशन वो कंफ्यूज करेगी जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ टाइम ट्रेवल पर देखा नहीं है। इसलिए यहां पर मैं आपको एक फ्री में एडवाइस जरूर दूंगा कि जब आप इस ड्रामा को देखने जाओ तो जो भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना। बाकी सीरीज में आपको जो सस्पेंस देखने को मिलेगी, जो मिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल आपको टेंशन का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो आपको थ्रिल प्रोवाइड करेगा, गूज़बम्स प्रोवाइड करेगा और जो आपको टाइम ट्रेवल की चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको 100% एंटरटेन करेंगी। एक चीज यहां पर मैं स्पेशली मेंशन करूंगा कि इस ड्रामा की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस ड्रामा का काफी ज्यादा सुपर है। इवन जो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस है उनमें जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जो आपको उनके इमोशनल एंगल दिखाए जाते हैं इस स्टोरी में, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। इन्वेस्टिगेशन के प्रोस्पेक्टिव को भी इस ड्रामा में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, जिसकी वजह से आपको एपिसोड बाय एपिसोड कुछ ना कुछ ऐसी मिस्ट्री देखने को मिलेगी, क्लिफहैंगर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आप इसके साथ हुक रहोगे। टाइम जंप को डिवाइड करने के लिए जिस हिसाब से इसमें ट्रांजिशन को यूज किया गया है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन अब अगर बात की इस वेब सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की, तो इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, जिसकी वजह से इसमें जो आपको चीजें देखने को मिलती है वो उतनी परफेक्टली लेयर्ड फील नहीं होती हैं। लूपहोल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इवन आपको कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगी। और आज जो मुझे फील हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज की जो कहानी उसको सेकंड हाफ में काफी खींच करके प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से जो आपको ट्विस्ट टर्न देखने को मिलते हैं जो एक प्रो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल टाइप के फील होंगे। अदरवाइज इन सारी को साइड में रख करके मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक बढ़िया कोरियन सीरीज देखना चाहते हो जिसमें आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिले, मिस्ट्री सस्पेंस टेंशन का माहौल देखने को मिले, इन्वेस्टिगेशन का एंगल देखने को मिले, आपको बढ़िया तरीके से कैरेक्टर की डेवलपमेंट उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर बात करें मेरी, तो मैंने इस सीरीज को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय किया है। इवन जो इसकी एंडिंग थी वो मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगी है। हाँ, कुछ चीजें थी जिनको काफी ग्रिपिंग वे के साथ प्रेजेंट किया जा सकता था, जहां पर ये सीरीज मुझे थोड़ी सी ढीली ढाली फील हुई है। सो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8.3/10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मैं समझ रहा कि आपको कायरोज कोरियन ड्रामा कैसा लगा है और इनके अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।